हेलो गाइस, वेलकम टू द इंस्टेंट रिव्यू। शी हल्क का एपिसोड 1 देखा मैंने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ नाइस डिसेंट एपिसोड। यार एक चीज की गड़बड़ होगी, वो है VFX। यार मार्वल से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबसे बेस्ट VFX लाएगा, और इस बार का ना जो VFX था ना वो थोड़ा डगमगा गया। नेवरदिलेस अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूँ तो यार एक प्लस पॉइंट इसका यह है कि फास्ट पेस स्टोरी है, कहीं पर भी बोर नहीं होता। 35 to 40 मिनट्स का आई थिंक सो अराउंड अराउंड एपिसोड है, बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। इसमें पूरा हमें बताया गया है कि शी हल्क बनी कैसे, जो ब्रूस बैनर की कज़न थी, हल्क की कज़न थी, उसमें शी हल्क की पावर कैसे आई है, कैसे वो हल्क की वो जेनेटिक आई थिंक सो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई पावर्स आई हैं उसको, तो उसके बाद वो बनना चाहती है कि नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है शी हल्क बनने का। वो एज अ लॉयर बहुत अच्छा उसको लगता है, उसकी लाइफ सही चल रही होती है, पर वो शी हल्क बाद में ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि वो बाद में शी हल्क बनेगी। और जो बीच में कॉमेडी दिखाई गई है ना हल्क और शी हल्क के बीच में, जो नोक जोक दिखाई गई है, और साथ में जब हल्क शी हल्क को सिखाता है हर चीज़, वो चीज़ देख के यार बहुत मज़ा आया, एंटरटेनमेंट हो गया यार, इतना कह सकते हो टाइम पास हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। पर यह कि वो टिपिकल वही सारे जो सुपर हीरो की स्टोरीज होती है, पहले वो बनना नहीं चाहते, फिर बाद में ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं कि बाद में बन जाएंगे। एक नेगेटिव चीज ये है कि हल्क भैया ना पूरी लाइमलाइट खा जाते हैं शी हल्क की भी, और हल्क भैया बस एपिसोड 1 में है, और आई थिंक सो अब एपिसोड लास्ट एपिसोड में आएंगे, बीच में पूरा शी हल्क ही दिखेगी। तो अभी तक तो हमें पूरा शी हल्क के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिला, क्योंकि हल्क का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, मेजर रोल है। पुरानी यादें भी उन्होंने ताज़ा कर दी, जो टोनी स्टार्क की बात करते हैं, कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं, तो अच्छा लगा यार, मज़ा आया देखने में। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कैसा लगता है, और इसमें आपका क्या टेक है, आपको कैसा लगा यार ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।